أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا तर्जुमा। और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, और ये कि इसकी कोशिश देखी जाएगी, फिर इसको इसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और ये कि तुम्हारे परवरदिगार ही के पास पहुंचना है, और ये कि वो हंसाता है और रुलाता है, और ये के वही मारता है और जिल्लाता है। सदकल्लाहुल अज़ीम। तलावत कुरान मजीद के बाद ब्रदर शौकत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा नाते रसूल मकबूल के लिए। ब्रदर शौकत आज कलाम इकबाल की दुरूद शरीफ पढ़ लें जी सब हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हुकूमतों का मिजाज बदला, इबादतों का निजाम बदला, जनाब खतमुर रसूल के आने से रंग हर खास आम बदला, चला जो फारांग रिफ़तों से वो जिंदगी की हवा का झोंका, चला जो फारंग गिरफ्तों से वो जिंदगी की हवा का झोंका, नगर नगर इनकिलाब आया, चमन चमन इंतजाम बदला, नगर नगर इनकिलाब आया, चमन चमन इंतजाम बदला, जनाब खत्मुर रसूल के आने से रंग हर खास आम बदला, हिरा की तन्हाइयों से उठा वो आफताबे हयात बनकर,
उसी से हिसा से सुबह हो जागा, उसी ने अंदाज़े शाम बदला। उसी से हिसा से सुबह हो जागा, उसी ने अंदाज़े शाम बदला। जमाल आदाब का नमूना, कमाल इखलाक का पयंबर। रसूम बदली, रवाज बदला, समाज का इल्तिजाम बदला। रसूम बदली, रवाज बदला, समाज का इल्तिजाम बदला। जनाब खत्मुर रसूल के आने से रंगे हर खास आम बदला। हुकूमतों का मिजाज बदला, इबादतों का निजाम बदला। जनाब खत्मुर रसूल के आने से हर रंगे हर सुबह हो शाम बदला। नातिर सुलेम कबूल के बाद बगैर किसी तमहीद के अपने मौजूद मेहमान मोहतरम ख्वाजा शमाइल साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के मौजू के ऊपर वो अपनी गुफ्तगू रखें प्लीज। ख्वाजा शमाइल साहब, अरशद तहरानी साहब पूछ रहे हैं कौन है। मेरा तो ख्याल है सारे दोस्त जानते हैं, हमारे यानी वफाकी सेक्रेटरी हैं मरकज के और सियालकोट के मरूफ फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। प्लीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मजलिस मोहतरम मासिफ बल्ली साहब, सेक्रेटरी थिंकर्स फोरम असद एजाज साहब, दाऊद शाहिद साहब, मोजस ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान का योम आज़ादी, आप सबको मुबारक हो। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आज हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं और एक आज़ाद ममलकत के शहरी हैं। बाकी आज के मौजू के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, काफ़ी इसके बारे में गुफ्तगू होती रहती है और अमूमी तौर पे फ़र्द के हवाले से, अदारों के हवाले से और दूसरे पहलुओं से वफादारी के ऊपर सवाल उठते हैं और उसका जवाब ज़ाहिर है हमें तलाश करना है और अपने गिरेबानों में झांकना है, ताकि जहां हम आज़ादी का जश्न मना सकें वहां हम ज़रूर इस चीज़ का अहाता करें, तजिया करें कि क्या आज हम उसी पाकिस्तान को देख रहे हैं जो कायदे आज़म का पाकिस्तान है, जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, क्या ये वही पाकिस्तान है। तो इस हवाले से मैं अपनी गुजारिशात आपके सामने पेश करूंगा। आज का मौजू, जैसे कि आप सब के इल्म में है कि अफकार इकबाल और कायदे आज़म की रोशनी में फ़र्द रियासत का वफादार क्यों नहीं, ये एक सवाल है। मुझे नहीं मालूम कि इसको मुरतब करते हुए क्या यकीन कर लिया गया कि वाकई फ़र्द रियासत का वफादार नहीं, या कि ये एक सवाल है जिसका हमें जवाब तलाश करना है। बहर तौर मेरी मारूजात जो है वो मैं आपके सामने गोशगुजार करूँगा। मेरे ख्याल में इसमें चार बड़े अहम पहलू हैं। पहला है कि फ़र्द, कि फ़र्द से हम क्या मुराद लेते हैं। दूसरा है रियासत, रियासत से हम क्या क्या मानी पहनाते हैं रियासत को। और तीसरा है वफादार, वफादारी से हम क्या अहद करते हैं। और आखिरी सवाल है क्यों। हमारे कुछ दोस्त वकला हजरात बैठे हैं तो तनकीहात आप समझ लीजिए कि ये चार बुनियादी सवाल हैं और इसका हमें आज की गुफ्तगू में अहाता करना है। सबसे पहले हम फ़र्द के ऊपर बात करना चाहेंगे।
अब देखा जाए तो पाकिस्तान के तमाम जो शहरी हैं बिला इम्तियाज, वो सब फर्द की तारीफ में आते हैं। इसको अंग्रेजी में हम सिटीजन भी कह सकते हैं, शहरी भी कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ इसके और भी पहलू हैं। मसलन वो अफराद जो साहिब हैसियत हैं, साहिब इख्तियार हैं, साहिब इक़्तदार हैं, उनका क्या किरदार है, और वो लोग जो वैसे तो कोई कानूनी या आइनी अख्तियार नहीं रखते लेकिन मौशे में असर रखते हैं, उसमें ताजर भी शामिल हैं, बैंकर भी शामिल हैं, तलबा भी हैं, उलमा भी हैं, वकला भी हैं, तमाम जितने तबकात हैं वो उसमें शामिल हैं। और तीसरी जो किस्म है या जो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि मालिकान हैं इस मुल्क के, वो हैं अवामतुन्नास। अब इन हम तीनों पहलुओं से इस पर गौर करेंगे। दूसरा अहम पहलू है रियासत, कि हम रियासत से क्या मुराद लेते हैं। अब रियासत बुनियादी तौर पे आप देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो बिना है या बुनियाद है वो एक नज़रिया के ऊपर है, और वो सबको मालूम है कि इस्लाम के नज़रिए के ऊपर है, अदरवाइज हिंदुस्तान से अलग होने का कोई जवाब नहीं था। तो अब देखना यह है कि आप कुरान पाक का मुताला फरमा लें, अहादीस को देख लें, फिका को देख लें, फ़र्द सबसे पहले आता है, और फ़र्द का ही वजूद है, और फ़र्द की ही जवाबदेही है। रोज़े मैशर भी जवाबदेही फ़र्द की ही है, किसी रियासत की जवाबदेही नहीं है। हाँ, रियासत के जो उलिल अमर हैं उनकी ज़रूर जवाबदेही है, जैसे हम अभी जिक्र करेंगे सूरह निसा की आयत 59 का, जहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि अतीउल्लाह वती रसूल और उलिल अमर, तो तीनों की इताअत जो है, लेकिन इसकी किस हवाले से वो हम बात करेंगे, वफादारी के हवाले से। अब रियासत जो है वो जब नबी वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो किसी रियासत का वजूद नहीं था। मैंने इसको बड़ा गहराई में देखा है, और ख़ास तौर पे जो खुतबात भावलपुर हैं डॉक्टर हमीदुल्ला के, उसमें उन्होंने काफ़ी तफसील से रोशनी डाली है कि वहाँ कोई रियासत नहीं थी। हाँ, एक नज़म था ज़रूर, जिसमें कोई 12 के करीब बुज़रा, कह लीजिए बुज़रा का लफ्ज़ तो उस वक्त नहीं था, लेकिन यह था कि मुंतज़म कह दीजिए, कोई काबा का एहतमाम कर रहा है, कोई मेहमानों का एहतमाम कर रहा है, जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे ज़्यारतों के लिए उनका कर रहा है, कोई सिक्योरिटी का कर रहा है, कोई बैरूनी जो कबाइल हैं उनसे। तो रियासत का जो हमारे इस्लामी नुक्ता निगाह से जो पहला वजूद है वो रियासत मदीना के हवाले से हम जानते हैं, और एक मिसाक मदीना का भी अक्सर जिक्र होता है, जो कि एक आइनी दस्तावेज़ कही जा सकती है, जिसमें तमाम जो कबाइल हैं और तमाम जो बाकी मजहब के मानने वाले हैं और जो मुस्लिम उम्मत थी उसके बीच में नबी वसल्लम ने एक कॉन्ट्रैक्ट कह लें, कोवेनेंट कह लें, अहदनामा कह लीजिए, आइन कह लीजिए। लेकिन बड़ी एक हैरानी का पहलू इसके अंदर ये है कि उसके अंदर 23 शिकें जो हैं, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी एक हैरानी की बात थी, 23 शिकें जो हैं वो मुसलमानों से मुतल्लिक हैं और 24 शिकें जो हैं वो गैर मुस्लिमों से मुतल्लिक हैं। अब ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि जब हम पाकिस्तान की बिना की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान के झंडे के दो रंग हमें मिलते हैं, सब्ज़ और सफ़ेद। सबको मालूम है कि सफ़ेद जो है वो अकलीतों की नुमाइंदगी करता है, और पाकिस्तान जब क़याम पज़ीर हुआ है तो उसमें अकलीतों के साथ ना सिर्फ आइन के अंदर जो भी हमने आइन अडॉप्ट किया, बल्कि हमारे झंडे के अंदर भी उसकी एक रियासत ने उसका एक अहदनामा, एक इकरार, एक वादा, एक तहफ़ और यह गारंटी जो है वो दी। आगे हम चल के इस पर बात करेंगे कि फिर इस सिलसिले में क्या मसाइल ने जन्म लिया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नबी वसल्लम के विसाल के बाद खिलाफत राशिदा का दौर है, और वो एक उसी रियासत का आप कह लीजिए मिनिएचर है, जो कि रियासत मदीना थी, लेकिन ज़ाहिर है उसके अंदर बहुत वसत हुई, बड़े उसके अंदर और पहलू यहाँ सामने आए।
लेकिन उसके बाद फिर हम खिलाफत राशिदा के बाद देखते हैं कि एक मलूकियत का दौर है और उस दौर के अंदर एक वाकया होता है, वाकया करबला का। यहां मैं वफादारी के हवाले से बात करना चाह रहा हूं कि हजरत उमर ने फरमाया था, जब आपने ओहदा संभाला, आपने फरमाया था कि आप पे वफादारी के लफ्ज़ को मैं यहाँ चूंकि मुस्तमिल है लेना चाहूँगा कि मेरा इत्तबा जो है वो तब फ़र्ज़ है अगर मैं कुरान और सुन्नत की पैरवी करूँ, और अगर इसे हट जाऊँ तो फिर आप पे मेरी बैत जो है वो फ़र्ज़ नहीं है। तो वफादारी से हम फिर वापस लौटेंगे सूरह निसा की आयत 59 की तरफ, जहाँ वह अतीउल्लाह का जिक्र है, अतीउ रसूल का जिक्र है और फिर उलिल अमर का है। उसके साथ अतीउल का लफ्ज़ नहीं आता, तो उसका भी बुनियादी मुफस्सरीन और शारहीन ने यही बताया है कि उसकी उलिल अमर की जो अतायत है या बैत है वो कंडीशनल है, कंटिंजेंट है अल्लाह और उसके रसूल की इतबा के साथ। तो ये एक दो बड़े अहम इस हवाले से, वफादारी के हवाले से पहलू हैं। और तीसरा बड़ा अहम पहलू करबला के अंदर, कि करबला का जो वाकया हुआ उसका पसमंजर क्या है। मुख्तसर क्योंकि सब इल्म में है, मुख्तसर मैं अपने आज के मौजू के हवाले से जिक्र करना चाहूँगा। उसमें बुनियादी बैत से इनकार की वजह क्या थी, यही थी कि हजरत इमाम हुसैन और उनके जो रफ़काए कार थे, साथी थे, उनकी नज़र में जो उस वक्त की हकूमत थी या जो हुक्मरान थे वो अल्लाह और रसूल की इत्तबा में वहाँ पे फ़ायज़ नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वफादारी मशरूत है, और उसके बाद अगर कोई रियासत दीन के नाम पे अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमें आपका पैगाम है या अल्लाह का हुक्म है उसके तवाब में अगर कोई रियासत वजूद में आई है तो पाकिस्तान है। इसमें कोई शक नहीं कि खिलाफत राशिदा के बाद खिलाफत उस्मानिया रही, अब्बासिया रही, उमैया रही, यहाँ मुग़ल सल्तनत भी रही, लेकिन वो सल्तनतें थीं, मलूकियत थी, और जो आज हम पाकिस्तान की बिना देख रहे हैं वो एक नज़रिए के ऊपर थी। अब हम वापस लौटते हैं रियासत की थोड़ी सी तशरीह के बाद कि रियासत में ये रियासत वजूद में कैसे आती है। पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क कभी दुनिया में नंगे नक्शे पे कायम नहीं रहा। पाकिस्तान वजूद में आया है लोगों के वोट से, लोगों की राय से। 1946 के इलेक्शंस हुए और उसके अंदर मुस्लिम लीग को कामयाबी मिली, अक्सरियत मिली, और पाकिस्तान का वजूद जो है वो बुनियादी तौर पे उन सिलेक्शन के नतीजे में आया। लेकिन उसके साथ कुछ और भी पहलू हैं, मसलन सिलहट है। सिलहट जो है वो असम सूबे का ज़िला था लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत थी, लिहाजा वहाँ रेफरेंडम हुआ जिसे हम केपी कहते हैं, और कल का सूबा सरहद, वहाँ पे भी रेफरेंडम हुआ। इसी तरह बलूचिस्तान में शाही जिरगे का इस्तस्वाब हुआ और उन्होंने पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की। तो बुनियादी जो मेरा नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान का जो वजूद है नज़रिए के अलावा जो अमली तौर पे लोगों की राय से और उनकी मर्ज़ी से, जिसे हम कह रहे हैं कि रज़ाकाराना तौर पे पाकिस्तान के अंदर शमूलियत अख्तियार की और ये एक रियासत वजूद में आई। तो जब इसकी बिना जो है वो लोगों की राय के ऊपर है और एक इंतहाब की सूरत में है या इस्तस्वाब की सूरत में है, तो हमें इस पे गौर करना चाहिए कि आखिरकार 1971 में क्या हुआ। और इस दौरान का जो वक्त है उसके बारे में भी गौर व फिक्र करना चाहिए। पाकिस्तान बनने के बाद दो अदवार को आप अलग कर लीजिए, कायद अजम का दौरे हकूमत और लियाकत अली खान का दौरे हकूमत, जो 1951 अक्टूबर तक है।
अब आप मुलाहजा कीजिए कि कायदे आज़म के आखिरी दिन भी जिस तरह गुजरे वो सबके इल्म में है, अब तो इस पर बहुत तहकीक हो चुकी है। बहरतौर अफसोसनाक कुछ वाकयात हुए जिनका तज़किरा शायद आज मुनासिब ना हो। बहरतौर उसके बाद लियाकत अली खान का दौर है। अब जैसे हम इकबाल की तरफ लौटेंगे तो इकबाल भी अपने रिकंस्ट्रक्शन में जो जिक्र करते हैं, जहां प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम बेसिकली इज्तिहाद के ऊपर गुफ्तगु है और जो हरकी नज़रिया आप कह लें इस्लाम के अंदर है, जो बेसिकली वाइब्रेंट बनाता है इस्लाम को, इट इज़ फॉर ऑल टाइम्स एंड फॉर ऑल एजेस, वो इसी बिना के ऊपर है। तो नबी अल्लामा इकबाल ने उसमें फरमाया कि 500 साल से एक जमूद तारी है। ये 1928-29 में ये लेक्चर्स आपने फरमाए, आज 100 साल तकरीबन होने को है, तो 600 साल आप समझ लीजिए। तो उसमें भी आपने जो एग्जैक्ट लफ्ज़ यूज़ किया है इंग्लिश में, चूँकि लेक्चर्स हैं तो ग्रैंड नेशनल असम्बली का जिक्र है तुर्की का, और आपने उसके बारे में बड़ा वाज़ेह कहा है, एग्जैक्टली दीज आर द वर्ड्स, कि इट इज़ इन लाइन विद द स्पिरिट ऑफ इस्लाम और इट इज़ इन लाइन विद द रिपब्लिकन नेचर एंड स्पिरिट ऑफ इस्लाम, यानी कि रिपब्लिक और ग्रैंड नेशनल असम्बली, असम्बली का इंतखाब कैसे होगा ये अलग मौजू है, लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि जो भी रियासत का तस्वर आपके हाँ था, फिर आपने उसमें गजाली का भी जिक्र किया है, अल गजाली का हवाला दे के, तो वहाँ से भी उन्होंने कोशाचीनी की है। तो खुद भी इलेक्शन लड़ा, आपको मालूम है पंजाब असम्बली के मेंबर रहे। कायदे आज़म ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर अपनी तकारीर में, ख़ासतौर पर जो 11 सितंबर की तकरीर है कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को, उसके अलावा कायदे आज़म की गवर्नर जनरल बनने के बाद दम आखिर 55 तकारीर हैं। ये 55 तकारीर मैं समझता हूँ कि हमारे निसाब का हिस्सा होना चाहिए, इतना तकरीबन वॉल्यूम बनता है, इतना मोटा, उसमें रियासत के हर मसले हर पहलू के ऊपर गुफ्तगु है और बुनियादी आप कह लीजिए एक मीनारा नूर है। उसमें वाजिया तौर पे एक बात तय है कि ना ही वो रोमन कैथोलिक एम्पायर की तरह की कोई पापावियत चाहते थे, जिसके लिए लफ्ज़ों ने यूज़ किया एक अपनी स्पीच में कि पाकिस्तान विल नॉट बी अ थियोक्रेटिक स्टेट, और ना ही कुछ सरमायादारी के मबनी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो रियासत चाहते थे, और ना ही कोई इश्तराकियत के से मुतासरा कोई रियासत चाहते थे। एक सीधी सादी इस्लामिक रिपब्लिक, जिसका बार बार आपने जिक्र किया है कि डेमोक्रेसी जो है ये तो ब्लड एंड बोन्स में है मुसलमानों के, 1300 साल का लफ्ज़ वो बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो और आइन भी उसी ने मुरतब करना था, वो नहीं हो सका, हम सबको मालूम है क्या वजूहात थी उसकी। तो बड़ा वाजिया ये पैगाम था कि पाकिस्तान की रियासत का खदो खाल क्या होगा। और एक और बड़ी अहम बात है, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कायदे आज़म ने फ़लस्तीन का जिक्र किया हुआ है, और ये जो द्यो रियासती हल का जिक्र आता है इसको बिल्कुल रद्द किया हुआ है और कहा हुआ है कि किसी सूरत भी पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले पे या कॉस पे पीछे नहीं हटेगा और पूरी मदद करेगा। उस ज़माने में इंडोनेशिया की तहरीक आज़ादी भी जारी थी, उसके ऊपर भी बड़ा वाजिया आपका पैगाम है, कश्मीर के मसले पर भी बड़ा वाजिया पैगाम है। तो देखना यह है कि पाकिस्तान ने तो दुनिया में एक अमामत का फरीजा अंजाम देना था मुस्लिम दुनिया के हवाले से, और बाकियों के लिए भी एक रोशन मिसाल बनना था, लेकिन फिर क्या हुआ कि आज हम जिस कैफियत में हैं हम सबको मालूम है, $1 अरब के IMF प्रोग्राम के लिए हम यरगमाल बने हुए हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कायदे आज़म का दौरे हुकूमत, पाकिस्तान का जो पहला बजट है वो सरप्लस बजट है। ये उस दौर की बात है जब हिंदुस्तान ने हमारे असासे रोके हुए थे और पाकिस्तान में कोई रियासत की बुनियाद नहीं थी, हर चीज़ नए सिरे से मरतब की जा रही थी। तब भी मैं समझता हूँ कि उस ज़माने के हमारे जो फादर ऑफ द नेशन हैं, कायदे मिल्लत हैं, बाकी जो उनकी टीम थी और बाकी भी जितने अमाल हुकूमत थे, सब ने बहुत काविश की, मेहनत की,
और पाकिस्तान के पहले काफ़ी सारे बजट जो हैं वो सरप्लस बजट्स हैं, कोई मदद नहीं ली। ये भी मैं आपको वाजह करता चलूँ कि IMF का पाकिस्तान मेंबर 55 में बन गया था, लेकिन 58 तक जब तक जैसा भी था जमहूरी निज़ाम रहा, उसमें बहुत मसाइल थे, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और दुरुस्त लिखा गया। बावजूद इसके इस दौरान पाकिस्तान की तमाम जो अहम कामयाबियाँ वो इसी दौर के अंदर हैं। मसलन पाकिस्तान का बनना, पाकिस्तान के अंदर सूबा सरहद का शामिल होना, सिलेट का शामिल होना, बलूचिस्तान के शाही गिरगिट से शामिल होना और कबाइल का शामिल होना, ये पहले तो 1947 तक ये है। उसके बाद आज़ाद कश्मीर का शामिल होना अवाम की जद्दोजहद और जहाद के नतीजे में पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। फिर गिलगित बल्तिस्तान को आप ले लीजिए, 28,000 स्क्वायर माइल एरिया है, इट्स इक्विवेलेंट टू डैट ऑफ द देन NWRP 9KP, अंदाज़ा करिए। वो भी लोगों ने जद्दोजहद की और कायद अजम को ख़त लिखा कराची में और पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की। फिर हम 8 सितंबर 1958 तक आते हैं, जब मलिक फिरोज़ खान नून वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ख़िताब किया रेडियो पर, यह गूगल पर मौजूद है ये रेडियो पाकिस्तान का जो ब्रॉडकास्ट है। जब गवादर को पाकिस्तान में शामिल किया गया और करीबन 270 सालों के बाद, आप अंदाज़ा कीजिए ये कोई मामूली कारहाए नहीं है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस दौर की। उसके अलावा एक और बहुत अहम बात है जो कि हम भूल जाते हैं, वो ये कि कश्मीर के ऊपर जितनी करारदादें हैं, 4 करारदादें हैं UNO की, चारों के ऊपर पाकिस्तान कश्मीर का जो कॉज है या कश्मीर का मुकदमा उन करारदादों के ऊपर है। ये चारों की चारों करारदादें 1948-49 से लेके 1957 तक हैं, आखिरी करारदाद 1957 की है। और आप सब हैरान होंगे, मैं तो कम से कम, अगर आपके इल्म में है तो शायद आपके लिए नई बात ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही हैरानी की बात थी कि पाकिस्तान 1954 और 55 में सीटो सेंटो में शामिल हो जाता है, अमरीकी इतिहाद में शामिल हो जाता है, वाजिया तौर पे रूस और चीन के खिलाफ सफ आरई हो जाती है। हम एक फ्रंट लाइन स्टेट, एक सेटेलाइट स्टेट के तौर पे दुनिया में फिर जाने जाते हैं। इसके बावजूद सोवियत यूनियन ने 1957 की जो रेजोल्यूशन पास की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, उसको वीटो नहीं किया, वो एब्सेंट हुआ हुआ। और 1957 के बाद फिर हम चूंकि एक जमहूरी राह से हट गए, इलेक्शंस होना थे और इलेक्शंस ही मसला रहे हैं हमारा पहले दिन से आज तक, और इसी वजह से ये गैर यकीनी फिजा है, इसी वजह से ये अनसर्टेनिटी है, इसी वजह से ये क्यास है और नाउम्मीदी भी यहीं से जन्म लेती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि पहले इलेक्शन जो 70 में हुए, बाकायदा इलेक्शन 64 में भी हुए, अयूब खान ने कराए, और ये भी बड़ी शायद हैरानी हो, मुझे तो बहुत हैरानी हुई जब मैंने वो वीडियो क्लिप देखा, ये गूगल पे मौजूद है, फातिमा जिना का। फातिमा जिना का 1964 दिसंबर का दौरा है मशरकी पाकिस्तान का। हम अक्सर कहते हैं बंगाली अलग हो गए, लेकिन आप सोचिए उनकी हुब्बुल वतनी देखिए, कि उनकी वफादारी देखिए मामलकत के साथ, और वो अक्सरियत में थे, 56% थे। और फातिमा जिना का जो इलेक्शन कैंपेन है पूरे बंगाल की, मशरकी पाकिस्तान की उस वक्त था, उसमें लाखों लोग उमड़ आए हुए हैं, दरख्तों पे आप देखेंगे, छतों पे, ट्रेन के ऊपर, जहाँ जहाँ वो जाती हैं, हालांकि वो उर्दू में ख़िताब करती हैं और बहुत सारे बंगाली उर्दू नहीं जानते, लेकिन वो समझते हैं कि ये कायद अज़म की बहन हैं और एक हकीकी जंग लड़ रही हैं आज़ादी की, जमहूरियत की, आवाम के हकूक़ की, और उनको वहाँ अक्सरियत भी मिली। यहाँ तो जो हुआ मगरबी पाकिस्तान में हम सब किल में है। बहर तौर 70 के इलेक्शन के नतीजे में अब 56% आबादी है पाकिस्तान की अक्सरियत, वहाँ पर एक फैसला आ जाता है। मुझे आपको जैद बकर को शायद ना पसंद हो, लेकिन बहरहाल अवामी राय है जिसकी बिना पे पाकिस्तान वजूद में आता है। हमने तब भी इंसाफ नहीं किया, हमने अपने मुल्क के
क़याम की जो बिना थी उसे वफादारी नहीं निभाई हमने। हमने कायद अज़म की फ़िक्र और इकबाल की फ़िक्र से भी वफादारी नहीं निभाई। जो पाकिस्तान के बुनियादी खदोखाल कायद अज़म ने मरतब किए उनसे भी वफादारी नहीं निभाई। और जो असूल था इलेक्शन का, जिसके ऊपर सब राज़ी थे, रजामंद होने के बाद इलेक्शन हुए, उस अहद को भी नहीं निभाया। और नतीजा हुआ कि हमने वहाँ मार्च में एक फौजी ऑपरेशन किया और फिर 16 दिसंबर को जो कुछ हुआ वो हम सब किल में है। तो देखना यह है कि दुनिया की तारीख में मैं कम इल्म हूँ, इतना नहीं मेरे इल्म का अहाता, लेकिन मेरी जो स्टडी है उसके मुताबिक दुनिया में कभी किसी अक्सरियत ने अकलियत से अलग इख्तियार नहीं की। ये शायद पहला मौका है किसी रियासत की तारीख में। और कायद अज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान उस दिन वजूद में आ गया था जिस दिन पहले मुसलमान ने बरे सगीर की सरजमीन पर कदम रखा था। अब तारीखी तौर पे तो 712 ईस्वी बनती है वो जब मोहम्मद बिन कासिम आए, लेकिन तारीख बताती है कि उससे पहले मुसलमान यहाँ आ चुके हुए थे और जब श्रीलंका तक पहुँच चुके हुए थे, सिलोन तक, सिलोन कहते थे, और जिन्हीं के खतूत या मरासले पे फिर मोहम्मद बिन कासिम आए थे। लेकिन 712 हम ले लेते हैं तो आप अंदाज़ा करिए कि रियासत जो है कायद अज़म किस कौल के मुताबिक 1200 साल में वजूद में आती है पाकिस्तान की रियासत। इसकी कदर व कीमत का हम शायद अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। और वही रियासत 24 सालों में दो लख्त हो जाती। तो हमें यह देखना है कि कहाँ वफादारी निभाने में हमसे कोताही हुई। और जैसे बहुत सारे लोगों का कोट है, कोई ग्रीन से एट्रीब्यूट करता है, कोई फ्लां से करता है, लेकिन ये कोट मुसलमा है कि व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज डैट वी डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। गलतियाँ कौमों से भी होती हैं, अफराद से भी होती हैं, फर्द से भी होती हैं, लेकिन इंसान गलतियों से अगर सीख ले और अपनी सही राह मुतय्यन कर ले तो अल्लाह ताला भी तौबा करने वालों की तौबा कबूल करता है और बहुत उसका अजर है।